रॉ में आए हैं 15 नए सुपरस्टार, जबकि स्मैकडाउन लाइव में आए हैं सिर्फ 12 नए सुपरस्टार, और दोनों ही ब्रांड्स ने आपस में 9-9 सुपरस्टार्स एक्सचेंज कर लिए हैं। तो बात करते हैं सुपरस्टार शेकअप की, लेकिन उससे पहले स्टार्ट स्मैकडाउन की बात करते हैं। तो स्मैकडाउन को शुरुआत किया केविन ओवेंस ने और केओ की चांस काफी तगड़ी आई। उसके बाद केओ शो में हमें देखने को मिले जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन। बिगी नहीं दिखे क्योंकि बिगी इंजर्ड है और ये बात जेवियर वुड्स ने खुद कन्फर्म कर दिया। और उसके बाद एक पॉसिबल मैच था न्यू डे में, जिसे न्यू डे के नए मेंबर्स बिग ओ यानी कि केविन ओवेंस के साथ किया गया बिटवीन रूसव, शिंसुके नाकामुरा एंड सिजारो, जो कि फ्यूचर में आया। बट जेवियर वुड्स ने कहा कि वो टाइलर ब्रिज ही उन्हें अपनी टीम में, लेकिन उसके बाद बिग ओ यानी कि केओ का प्रपोजल आया बिग ओ वाला, और फिर साथ में मैच हुआ। उसके बाद हमें देखने को मिले फिन बैलर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, और उन्होंने मैच किया अली के साथ। एक कमाल का मैच था, फैंटास्टिक मैच था, दोनों ही एथलेटिक सुपरस्टार और बहुत सही मैच था। उसके बाद आई कार्मेला जिन्होंने टैप आउट किया फ्लेयर के साथ, और उसके बाद हमें देखने को मिले लार्स सेल्वन जो कि एक फ्री एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, और उन्होंने अटैक किया आर्ट्रूथ के ऊपर। उसके बाद आई बेकी लिंच जिनको इंटरप्ट किया एम्बर मून ने, फिर आई बेली और सबको इंटरप्ट किया आइकॉनिक्स ने, फाइनली पेज आई और पेज को इंटरप्ट किया सोनिया डेविल और मैंडी रोज ने, लेकिन पेज ने कहा नहीं, उनकी नई टीम है आस्का और कायरी सेन जो कि एनएक्सटी से आ रही है। और फिर उन्होंने जो है एक मैच किया जिसमें जो है कायरी सेन ने पिन करके फील गुड मूवमेंट बताया आस्का के साथ, बेली और एम्बर मून के साथ, और उन्होंने पिन कर दिया आइकॉनिक्स और सोनिया डेविल एंड मैंडी रोज को। इसके बाद दिखे हार्डी बॉयज बैकस्टेज प्रोमो कट करते हुए, फिर न्यू डे का प्रोमो आया और न्यू डे ने डिफीट कर दिया नाकामुरा रूसव एंड सिजारो को, और यहां पर बिग ओ यानी कि केविन ओवेंस दिखे और काफी कमाल का मैच था, काफी एक्साइटिंग था। उसके बाद इसी के दौरान हमें जो है बडी मर्फी का एक वीडियो पैकेज दिखाया गया जिसमें बताया गया कि बडी मर्फी स्मैकडाउन लाइव में आएंगे 205 लाइव ब्रांड से। उसके बाद आया विंस मैकमैन जिन्होंने अनाउंस किया कि वो स्मैकडाउन लाइव की बिगेस्ट एक्विजिशन अनाउंस करेंगे, और उन्होंने बुलाया अलायस को, लेकिन फिर अलायस को इंटरप्ट करते हुए हमें देखने को मिले रोमन रेंस जिन्होंने पंच किया विंस मैकमैन को और फाइनली एक स्पीयर दिया अलायस को। तो ये कमाल का सेगमेंट था और स्मैकडाउन लाइव काफी कमाल का निकल करके आ रहे, एटलीस्ट ड्रॉ से तो बेटर निकल करके आ रहे हैं। हमें स्मैकडाउन लाइव में ड्राफ्ट के अंदर जो सुपरस्टार्स देखने को मिले वो हैं फिन बैलर, बेली, एम्बर मून, कायरी सेन, लार्स सेलवन, बडी मर्फी, अलायस, रोमन रेंस, चैट गेबल, लिव मॉर्गन, मिकी जेम्स और अपोलो क्रूज। इसमें से 9 सुपरस्टार्स हमें जो है रॉ से देखने को मिले स्मैकडाउन के अंदर, और कल वाले एपिसोड में हमने देखा था कि 9 सुपरस्टार्स जो है स्मैकडाउन से रॉ में गए। इसके दौरान हमें जो कमाल की एक्विजिशन देखने को मिली वो है हमारे पास कायरी सेन की जो कि एनएक्सटी से आ रही है, साथ ही हमें जो है चैट गेबल और अपोलो क्रूज जैसे टैलेंट सुपरस्टार्स देखने को मिले, और साथ ही रोमन रेंस और अलायस जैसे मेन इवेंटर्स देखने को मिले। वैसे ही हमें जो है स्मैकडाउन से रॉ की तरफ जाते हुए दिखे थे एजे स्टाइल्स, अंद्रादे, रे मिस्टीरियो जैसे तगड़े सुपरस्टार्स, और यहां पर हमें देखने को मिले लार्स सेलवन जो कि एक फ्री एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। पता नहीं वो रॉ में है स्मैकडाउन में है या फिर दोनों में, हमें कुछ पता नहीं है, बट कुछ भी हो सकता है, शायद वो फ्री एजेंट का ही काम निभा रहे हैं। तो ये था स्टार्ट स्मैकडाउन, आप बताइए आपको कैसे लगा आज का स्मैकडाउन, कमेंट करके, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।